Welcome back to my another blog and this is one of the fresh blogs which I am going to shoot right now. तो आज जो हमारे साथ तीन लोग हैं वो तीन लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. एक है भैया हमारे निर्दोष, ये हमेशा हमें फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मैं निर्दोष हूँ. अब इसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाता. निर्दोष भैया आप ऐसा बोलते कहा, ये तो बताओ. क्योंकि आप ऐसा बुलवाते हो हमसे कि आज अब भी फ़ोन करो तो पहले ये प्रूफ करके बोला करो कि भैया मैं निर्दोष हूँ, तभी आप हमारे शॉप पे इंटर हो गए. अच्छा अदरवाइज. अच्छा ये नाम आपका रखा किसने निर्दोष भाई? ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा ने. आपके मम्मी पापा ने कुछ सोच समझ के रखा हो ना निर्दोष? सोच समझ के रखा, क्योंकि ये जीवन में बेदाग रहेगा, कभी कोई दोष नहीं. क्योंकि उनका कहना ये था कि नाम पे तरह का दोष अगर पाया भी गया तो नाम के चलते इसको निर्दोष कर दिया जाएगा. जो नाम निर्दोष, काम निर्दोष, सब निर्दोष. निर्दोष नाम तो निर्दोष है, इसमें तो कोई दो मत नहीं. काम भी निर्दोष वाला है क्या? इंडिया के टॉपेस्ट प्लम्बर ऐसा कहना है भाई साहब का. और एक्चुअली ही इज बिलोंग फ्रॉम केरला. केरला में पालघाट. और जब अभी हम हमारा जो नया हिमालयन आ जाएगा तो हम लोग केरला ट्रिप पे जाएंगे तो इनके घर पे रुकेंगे. यस yes. हाँ रुक सकते हैं ना? यस yes. ऐसा तो नहीं हम लोग वहाँ जाएंगे और आप फोन नहीं उठाओगे, ऐसा होता है? अच्छा तो भाई साहब विदा ले रहे हैं तो पार्टी कब दे रहे हैं? आप जब बोलो. तो संडे का रखे क्या पार्टी? लेकिन आप वैसे ले दे नहीं ना जैसे होनी चाहिए. चिकन खा लेंगे. हाँ वो चल रहे हैं, हम भी वैसे ही वाले. हम भी वैसे ही वाले. कहने वाला वो आप वैसे वाले होंगे तो वो पार्टी नहीं होगी फिर. नहीं वैसी वाली ऐसी वाली होगी तो हो जाएगी. वैसी वाली है, ऐसी वाली नहीं है. ऐसी वाली नहीं, चल जाएगा. हाँ तो केरला में कहाँ है भैया? केरला में पालघाट. पालघाट. पालघाट तो वहाँ क्या देखने को मिला, क्या अच्छा है वहाँ पे? पालघाट में क्या सब कुछ है देखने के लिए, मतलब हिल स्टेशन है. हिल स्टेशन है और डैम है. अच्छा तो समुद्र कितना दूर है वहाँ से? समुद्र पालघाट में नहीं है. ओके हाउ मच किलोमीटर फार फ्रॉम पालघाट? तीन सौ किलोमीटर. अच्छा वहाँ पे वो जो बोट घूमता रहता है जिसमें घर बना रहता है वो भी है क्या वहाँ पे? कौन सा? वो झील वाला बोट होता है ना, वो वाला बोट. बोट हाँ बोट. वो एक्चुअली क्या, वो एलपी में वो हाउस बोट. हम लोग रांची से जाते थे जब चेन्नई, तो एलएफपी एक्सप्रेस से ही जाते थे, धनबाद एलएफपी एक्सप्रेस. तो वो एलएफपी तक ही जाता था, बट एलएफपी कभी जाना नहीं. एलएफपी जाना. तो जब हम लोग केरला जाएंगे ना तो एक दिन हॉल्ट मारेंगे इनके घर पे. बट ये भोपाल में रहते हैं, अब उस समय वहाँ होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा आप मान लो यहाँ रहोगे तो वहाँ कौन मिलेगा अपने को? उधर हमारे फ्रेंड्स वगैरह. फ्रेंड्स वगैरह वहाँ सारा इंतजाम हो जाएगा, खाने का पीने का नहीं. ओके ओके. और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो हमारे हैं रोहित भाई. तो रोहित भाई थोड़ा मास्क हटाएंगे. तो रोहित भाई से जानते हैं, रोहित भाई कहाँ से? रोहित भाई आप कहाँ से हो? सीधी मतलब वो सिद्ध करने वाले जगह तो नहीं है? कुछ सिद्ध सिद्ध वाला जगह तो नहीं है? पर्टिकुलर नाम सीधी है. अच्छा और वहाँ फेमस है हमारे बीरबल. बीरबल का नाम सुना है? हाँ अकबर बीरबल. हाँ तो सीधी का था अकबर. तो उनकी जन्मस्थली वही है. अरे बाप रे, इसीलिए ना ये क्या होता है कि जो सीधी के लोगों को ज्यादा तेज होता है, ऐसा क्या हो सकता है? हो सकता है, दिमाग तो बहुत होता है. और सीधी में क्या है फेमस देखने का? बस ये छोटी सी जगह है आपके सिमडे का. ये भाई साहब ऐसे बोले, हमारे छोटे सा जगह है आपके सिमडे का, जैसी जगह हमारे सिमडे का उन्होंने देखा है. नहीं आपने बताया है ना, सिमडे का भी अच्छी जगह है, पहाड़ पर्वत से घिरा हुआ है. पर्वत नहीं, पहाड़ों से घिरा हुआ है. कभी चलो तो मजा आएगा. जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने दो दिन पहले अपना एवेंजर 220 जो मेरी पुरानी बाइक थी उसको सेल आउट किया थ्रू ऑफ ओएलएक्स. और सेल आउट करने के पहले मैंने ऐड डाला हुआ था ओएलएक्स में और मार्केट प्लेस जो फेसबुक का है उस पर ऐड डाला हुआ था. तो ऑलमोस्ट मेरे सारे जान पहचान के लोग, सारे फ्रेंड्स देखे थे कि मैं आई जस्ट वॉन्ट टू सेल माई एवेंजर 220. तो सब देखते थे कि ओके ही जस्ट वॉन्ट टू सेल. बट जैसे ही सबको पता चला कि आई सोल्ड आउट एट 50,000 rupees, तो एवरी वन इज सेइंग राइट नाउ यार अभिमन्यू यार एक बार बोलते तो मुझे, मैं ले लेता, एक बार बोलते तो मुझे क्यों नहीं बताया. तो इट्स हैपन ऑल द टाइम.
आई ट्राइड टू सेल इन लास्ट वन मंथ एंड आई टॉक विद सो मेनी कस्टमर्स और दो दिन पहले बात हुई जमी बात और मैंने उनको दे दिया। तो ऐसा होता है अक्सर जब आप किसी चीज़ को बेचना चाहो तो आपके आसपास वाले देखेंगे हाँ ठीक है ही जस्ट ट्राई टू सेल ही जस्ट ट्राइंग टू सेल, बट क्या होता है कि जब हाँ एक बार बिक जाता है सामान तो बहुत लोग आ जाते हैं अरे मुझे क्यों नहीं पता, अरे मुझे क्यों नहीं पता। तो इट्स हैपन टू मी ऑल्सो, इवन माई डैड ऑल्सो सेज टू मी अरे तुमने बेचा बेचा क्यों बेचा। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अब दे दिया है तो बिक गया भाई। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे कि इतना महंगा बेच दिया, अरे भाई महंगा कहाँ बेचा, सस्ता ही बेचा है भाई, जिस हिसाब का कंडीशन तो उस हिसाब का पैसा मिला। तो ओके कोई इशू नहीं है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने रॉयल एनफील्ड का हिमालयन बुक किया है, तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे को कि आप हिमालयन के जगह कुछ और गाड़ी क्यों नहीं ट्राई करते, कुछ और गाड़ी भी देख लो वो गाड़ी भी अच्छी है। बट आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ यू जो मुझे देखना पसंद करते हैं और जो चाहते हैं कि मैं ये वो दूसरी तीसरी बाइक ले लूँ, उनको मैं ये कहना चाहूँगा मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ और मेरा जो डिसीज़न था वो ऑलमोस्ट फाइनल था और मैंने उस बाइक को टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया है, मैं आपको जो भी कहूँ। बट हाँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को देखते हुए और जितने भी लेह लद्दाख और फिर मनाली और फिर माउंटेन ट्रिप है उस सबको देखते हुए मुझे लगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बेस्ट ऑप्शंस हिमालयन ही होगा। अब लेने के बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है क्या नहीं होता, वो हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपको भी लेना चाहिए कि नहीं, अभी मुझे मिल जाए। तो एक खुशखबरी और था कि जब मैं कल गया था हिमालयन बुक करने तो उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का टाइम दिया था, बट अभी हुआ क्या कि आज मुझे आई गॉट मेल फ्रॉम रॉयल एनफील्ड कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बुक्ड योर हिमालयन BS6। तो मैंने सोचा कि ये कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल होगा, बट उसमें एक PDF फाइल था जिसमें मैंने जो 10,000 रुपीज़ एडवांस जमा किया था उसके बारे में डिटेल था और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि जो डिलीवरी डेट है मैंने बुक किया 27th of November एंड द टेंटेटिव डिलीवरी डेट विच इज़ गिवन बाय द रॉयल एनफील्ड्स कंपनी विच इज़ 27th of December। तो मुझे एक महीने के अंदर वो रॉयल एनफील्ड डिलीवर्ड कर देंगे, तो विच इज़ क्वाइट हैप्पियर फॉर मी कि मुझे नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा और इसी साल मिल जाएगा ऐसा मुझे लगता है। अगर उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया है 27th of December तो मुझे लगता है 15-20-25 दिन में आई विल गेट माई हिमालयन, तो उसके लिए भी वेट कर रहा हूँ। सो मैंने एक एक्टिवा 6G का वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे और सबसे ज़्यादा वॉच टाइम भी मिला है, सबसे ज़्यादा व्यू भी मिला है, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे तो उस कमेंट्स पे मैंने थोड़ा एक सोचा था कि उस पे एक वीडियो आज बनाऊं कि एक्टिवा 6G का जो हाई स्पीड मैं लेके जा सकता हूँ वो कितना तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि ये कितना हाई स्पीड चलता है कितना हाई स्पीड चलता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, मैंने ट्राई किया बट सिटी में ट्राई किया कि मैं इसको कितना हाई स्पीड तक लेके जा सकता हूँ एक्टिवा 6G को। तो जब मैंने उसको ड्राइव किया तो क्या क्या परेशानियाँ आई और क्या मैं हाई स्पीड तक पहुँच पाया, आइए देखते हैं। एक्चुअली मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें रिव्यू दिया था एक्टिवा 6G के बारे में और उस रिव्यू में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि एक्टिवा 6G बेसिकली हाई स्पीड क्या है। तो मैं हो गया हूँ तैयार, स्टिल आई एम इन 30, तो थोड़ा खाली रोड पे चलते हैं और फिर एक्टिवा 6G को हम लोग हाईएस्ट पे लेके जाएंगे और देखेंगे कि कितना तेज चल सकती है एक्टिवा 6G। ये जो रोड है वो फ्री रोड नहीं है, तो भी विल ट्राई ऑन दिस रोड ओनली कि हम इसको कितना तेज चला सकते हैं, बिकॉज ट्रैफिक भी है थोड़ा सा इन सिटी। हाउ मच स्पीड यू कैन रन दिस एक्टिवा, नाउ इट इज ऑन 50 कि मैं अभी कितना तक इसको ले जा पाऊंगा, क्योंकि आगे आप देख सकते हैं गाड़ियां ढेर सारी है, बट 53, 54, 60 तो बहुत आराम से जाती है, 70 भी बहुत आराम से चली जाती है। तो दिस इज, बट उसके लिए मुझे खाली रोड तो ज़रूर खोजना पड़ेगा, तो बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे खाली रोड मुझे मिल पाएगा, बट नो डाउट मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुश्किल है सिटी में, अब मुझे लगता है कि ये वीडियो बनेगा कि सिटी में हाउ मच यू कैन स्पीड एंड हाउ मच स्पीड यू कैन
रन दिस एक्टिवा इन ट्रैफिक, तो 52, 53, 54, 55 इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और अगर मुझे अगर इसका हाई स्पीड चेक करना है तो मुझे 8 बजे के बाद आना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता है, तो इसका टेस्ट ड्राइव अच्छे से हो जाएगा कि कितना स्पीड तक हम इसको चला सकते हैं, क्योंकि इस भीड़ में तो बहुत मुश्किल लगता है, या तो फिर लंबा दूर जाना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी वापस चलते हैं और फिर रात को आएंगे, जब लॉकडाउन लग जाएगा 8 बजे के बाद तो हम आएंगे और फिर विल चेक इट आउट कि हम इसको कितना स्पीड चला सकते हैं। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ एक बार। तो दिस इज 45, 50 के बाद क्या हो रहा है, कितना गाड़ी तेज हो जाती है कि तो एकदम खाली रोड पे ही चला पाएंगे 60 के ऊपर। इट इज गोइंग टू बी डेंजरस इन दिस टाइप ऑफ रोड, बट इजली यू कैन टेक 60, 70 ऑल्सो यू कैन टेक, बट थोड़ा खाली रोड होना चाहिए उसके लिए। तो दिस इज 50 just coming down, because I don't think so in this type of traffic you can run this scooty more than 60 to 65। ये था एक्टिवा 6G का, मैंने ट्राई तो बहुत किया कि मैं उसको थोड़ा तेज चला पाऊँ, बट इतना ट्रैफिक था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला पाया। तो किसी दिन और हम ट्राई करेंगे कि उसकी हाई स्पीड तक पहुंचा जा सके। मैंने सोचा था कि रात को 8 बजे के बाद जब लॉकडाउन लग जाता है तो मैं एक्टिवा 6G के साथ निकलूँगा, बट हुआ ऐसा कि शाम को बहुत ज़्यादा ठंड था और आज वॉक करने में नहीं गया, तो मैंने सोचा कि विल डू लेटर ऑन। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट ज़रूर छोड़ते हुए जाइएगा, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।